गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्म विद्या एक तत्व दर्शन है। ब्रह्म विद्या एक तत्व दर्शन है। जो उस ब्रह्म तत्व का दर्शन हमको कराती है और उसकी विशेषताओं को, जो उसकी विशेषताएं हैं उनको हमें दिखाती है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ भी है, सर्वव्यापी होने के बावजूद भी इस इंसान को अपने रास्ते पर नहीं चला पाता। चिंतन मनन ही केवल उसका एक रास्ता है। चिंतन मनन ही उसका एक रास्ता है। जो व्यक्ति को अंदर से अनुभूत हो करके उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है, आपसे कह दिया गया शवासन करिए, कह देने से थोड़ी शवासन हो जाएगा, प्रयत्न से होगा। बुद्ध भगवान ने एक कीड़े को बार बार ऊपर चढ़ते हुए गिरते हुए चढ़ते हुए गिरते हुए देखा, अंत में कीड़ा एक बार ऊपर चढ़ गया, अब नहीं गिरेगा। यही तत्व दर्शन है। सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था जिसके अनुसार चलती हो, नियम अनुशासन से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना, जो उसी का आधार हो, वही नियामक सत्ता है। जब वो नियामक सत्ता आपके स्वरूप पर काम करने लग जाएगी, तो आप में बदलाव आने लग जाएगा। एक बात बड़े निवेदन के साथ कहूंगा, बिगड़े हुए स्वरूप को सही स्वरूप में ढालना उसी परम सत्ता का कार्य है। परंतु आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहें, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है, वो ही सत्ता आपकी चेतना में अंतर प्रेरणा के रूप में के अंदर परिवर्तन को लाने के लिए उस चेतन सत्ता के साथ जाकर के जुड़ते हैं। आप उस चेतन सत्ता के साथ जाकर के जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए बहुत जरूरी यह है। आदमी जिस चीज का भोजन करता है पहले उसके प्रति अपनी इच्छा को जगाता है, उसके प्रति अपनी इच्छा को जगाता है
तब उसका लगाव उस चीज के साथ होता है जिसका वो भोजन करना चाहता है। आपको भी उस सत्ता के साथ श्रद्धा पूर्वक अपना लगाव जगाना ही होगा। साफ साफ सुन लें, आपका केवल 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 इतना कार्य है कि उस सत्ता के प्रति आपके मन के अंदर श्रद्धा जग जाए। परिवर्तन लाना व्यक्ति का कार्य नहीं है, धरती पर कोई नहीं ला सकता, वो सत्ता लाती है पर आपका सहयोग करके, आपका सहयोग करती है और उस परिवर्तन को लेकर के आती है। उपासना का जो काम है वो भगवान को साकार या निराकार रूप में स्मरण किया जाना है। ये भगवान कोई व्यक्ति नहीं, सद्भावना सद्विचारना सत्प्रवृत्ति का समुदाय है। उसको किसी व्यक्ति के आकार में नहीं बांधा जा सकता। अगर व्यक्ति के आकार में बांधना है, गुरु सत्ता ही आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में, विचारणा के रूप में, सत्कर्म के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसकी सारी विशेषताओं को स्मरण करके अपने आचरण में उतारने का प्रयास किया जाए, परिवर्तन तभी आता है। उपासना व्यक्ति को ऊंचे उद्देश्यों के लिए गतिशील बनाने का काम करती है। तो क्या आप वहीं पर जो आपकी अपनी आदतें हैं, संस्कार हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी प्रकृति है, क्या उतने ही दायरे में रहेंगे या भगवान के दायरे में जाएंगे? लिखो, भगवान पर अपनी चलाएंगे या भगवान की अपने पर चलाएंगे? कोई कुछ नहीं बना सकता, ना बिगाड़ सकता, ना कर सकता, सिर्फ आप ही हैं जो अपना परिवर्तन कर सकते हैं, और किसी में क्षमता ही नहीं है। वो हाँ बेटा उपाध्याय, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। उसकी उसका जो स्वरूप है, जो भगवान का आपने अपने मन में घड़ करके रखा हुआ है, जो चरम सीमा पर अच्छे से अच्छा आदर्श हो सकता है, उसकी परिकल्पना अपने मन के अंदर करिए। इसी को साधना कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, और साधना से ही जागृति आती है। मेरा एक मन है, मैं आज आपको स्पष्ट कर रहा हूं। गुरुदेव ने ध्यान का अंतिम चरण परिवर्तन बताया है। जिनमें परिवर्तन आएगा
उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं? हमारा लक्ष्य युग निर्माण, हमारी पहचान युग निर्माण, हमारा धर्म युग निर्माण। रीता बात ठीक कह रही है बेटा, जो मैंने अभी बताया, भगवान तो हमको रास्ता दिखाते हैं पर हम फेल हो जाते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते, हमारी पकड़ उतनी नहीं है कि हम उसको पकड़ जाएं, और पकड़ने का मतलब ही आराधना है। जो पकड़ जाएंगे वही युग निर्माणी कहलाएंगे। जब वो संगठन बन करके निकल करके आएगा तो समाज में परिवर्तन आना शुरू होगा। हाँ रणवीर, हमारा लक्ष्य यही है, अभी मैंने कहा हमारी पहचान युग निर्माणी। गुरुदेव का संकल्प है युग निर्माण और हम हैं युग निर्माणी। सोच करके देखो, गुरुदेव का साथ पा करके अगर केवल आप एक चीज मान जाए कि हम युग निर्माणी हैं और हम युग निर्माण करेंगे, संकल्प गुरुदेव का है, हमारा उद्देश्य उसको आकार देना है। प्रेरणा सद्गुरुदेव की, शक्ति सद्गुरुदेव की, धन साधन सब गुरुदेव का। मैंने अभी कहा था परिवर्तन नीचे से नहीं ऊपर से आते हैं। हाँ बेटा, यही हमारी पहचान है, युग निर्माणी हमारी पहचान है, यही हमारी जात है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। सवासन की बात कही है, सबसे आसान रास्ता है। पदार्थ और चेतना को अलग करना, पंच तत्वों से चैतन्य सत्ता को अलग करना, इसमें कर्म से केवल विचारणा ही काम करेगी। परंतु उत्कृष्टता के साथ में अपने विचार को जोड़ा जाए, उत्कृष्टता के साथ में अपनी विचारणा को जोड़ा जाए, ये आपका काम है। प्रेरणा सद्गुरुदेव की, उपासना यदि भक्ति योग है तो साधना ज्ञान योग है और आराधना कर्म योग है। योग अभ्यास आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा, आपकी चेतन सत्ता उस सत्ता के साथ अपना संबंध जोड़ने लग जाएगी, और देख लेना जो कहा है वो होगा अगर आपका प्रयास सत्य पर है तो, निश्चित रूप से होगा। यही तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल सूक्ष्म और कारण
उपासना, साधना और आराधना, स्थूल से आप उपासना कर सकते हैं, सूक्ष्म से आप ज्ञान योग के साथ जुड़ सकते हैं, आराधना से आप सत्कर्म कर सकते हैं। लूट का माल नहीं है, ये लूट का माल नहीं है, खून पसीने की गाढ़ी कमाई है। जो आत्मसत्ता को महानता के पद पर पहुंचाने के लिए इन तीनों सोपानों का सहारा लेते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, वो सतत उस आत्मसत्ता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, ईश्वर अगर आपके अंदर प्रवेश करेगा, आपकी चेतन सत्ता में अगर ईश्वर प्रवेश करेगा, परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, तो तीन ही चीजें, उपासना, साधना और आराधना, गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चिंतन पर सब कुछ टिका हुआ है, उत्कृष्ट विचारों के साथ अपने संबंध को जोड़ें, मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा वो आदि शक्ति देती है। देवोपन चिंतन चरित्र का निर्माण करने की जो प्रेरणा हमें मिलती है, साहसी मनस्वी इस पथ पर चलकर के असीम क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। स्वयं को ऊंचा उठाते हैं और देवी अनुकंपा से उन पर देवी सत्ता की कृपा निरंतर बरसती रहती है। साधन, सुविधाएं, मार्ग सब अपने आप खुलते जाते हैं। योगाभ्यास एक पराक्रम है, अपनी अंतह की दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष है। जो देवासुर संग्राम में जितना अधिक सफल होगा बाह्य जगत के जीवन में, वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। वो उतना ही सुसंस्कृत, अंतरंग की दृष्टि से महान कहलाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलने के लिए। ध्यान एक ऐसी विधा है सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास, ब्रह्मवर्चस उपास, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण,
समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक
सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, अज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार,
अधिकारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिन्हगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण। मुक्त, बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण।
योगा में जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के पांच चरण, पंचोंकार। तुरंत पीछे को लुढ़क जाएं और सवासन करें।